thank you निस्तर अस्पताल मुल्तान में इंसानियत की तजलील की छत से दर्जनों लाशें मिलने का इंकशाफ मुल्तान की निस्तर अस्पताल की छत से दर्जनों लावारिस लाशें मिलने के वाक ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया जराये का बताना है की निस्तर अस्पताल की छत पर बने कमरे में दर्जनों लाशें गल सड़ रही है दूसरी जानब सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश खबरों के मुताबिक निस्तर अस्पताल की छत से सैकड़ों की तादाद में इंसानी लाशों के बरामद हुए हैं। ताहम तादाद के हवाले से हकुमती सता पर किसी किस्म की तस्दीक या तरदीदाल सामने नहीं आ सकी अस्पताल के कुछ मुलाज़मीन ने बताया कि निश्तर अस्पताल के मुर्दा खाने के फ्रीजर कई साल से खराब हैं और पाँच में से बस एक फ्रीजर काम कर रहा है जिसके बाईस वहाँ सात से आठ मैयें रखी जा सकती हैं इस मुर्दा खाने में चालीस मैतें रखने की जगह है मगर लावारिस लाशों की तादाद ज्यादा है मुलाजमीन के मुताबिक बाकी लाशों की हालत वैसे ही खराब हो जाती है जिसके बाद उन्हें मेडिकल के तलबा के तजुर्बा के लिए भेज दिया जाता है और इनके तजर्बात के बाद उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है और वो लावारस पड़ी रहती हैं इस मामले पर अस्पताल की इंतजामिया ने तीन रुकनी एक तहकीकती कमेटी दी है जिसने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है कराची में हर 48 से बहत्तर घंटे के दौरान एक से दो लाशें सरकारी अस्पतालों में लाई जाती हैं, जिनकी माहाना तादाद 15 से 20 बनती है थाने की लाशों की जिम्मेदार होती है सरकारी अस्पताल का एम थाने को आगाह करता है और जो पुलिस अफसर वन बनाता है लाश भी उसी की जिम्मेदारी होती है की वो इन लावार लाशों को अमानतन कहाँ रखता है फिर अगर एक माह तक लाश का कोई वाली वारिस नहीं आता तो इन लाशों को ईद के कब्रिस्तान में अमानतन दफन कर दिया जाता है निस्तर अस्पताल में ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में तो मालूम नहीं लेकिन कराची में आम तौर पर जब मेडिकल कॉलेजेस लाशें मांगते हैं तो इसका बकायदा एक तरीका कार है कॉलेजेस पुलिस और محکمہ داخله के जरिए درخواست देते हैं और वो लाशें उन्हें दे दी जाती हैं लेकिन अब ये तरीकाकार भी काफी अरसे से इख्तियार नहीं किया जा रहा और अस्पतालों में डमी बॉडीज पर बच्चों को तालीम दी जा रही है अगर कोई माहिर डॉक्टर बच्चों को किसी पेचीदा चीज के बारे में बताना जरूरी समझता है तो लाश को चौबीस घंटे या उससे भी कम वक्त के लिए ले लिया जाता है और फिर उसे वापिस कर दिया जाता है जबकि निश्तर अस्पताल के, के वाक पर बात करते हुए सी पी ओ मुल्तान खुर्रम शहजाद का कहना है कि दफा एक सौ चौहत्तर की कार्रवाई के बाद लावारिस लाश निश्तर अस्पताल के सर्द खाने में रखी जाती है पुलिस का सर्द खाने में लाश रखवाने के बाद कोई अमल दखल बाकी नहीं रहता लावारिस लाशों की तदफीन निश्तर अस्पताल इंतजामिया का काम है खुरम शहजाद का कहना है कि कानून के मुताबिक लावारिस लाशें अस्पताल में रखवाने की पुलिस पाबंद है लाशों को कितना अरसा रखना है और उनको क्या करना है यह अस्पताल इंतजामिया का काम है अगर वारिस आ जाए तो कानूनी कार्रवाई के बाद अस्पताल इंतजामिया लाश हवाले कर देती है जबकि वजीर अली पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने नितर अस्पताल की छत पर लावारिस लाशें रखने का नोटिस लेते हुए सूबाई सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि लाशें छत पर फेंककर गैर इंसानी फेल का इरतकब किया गया है अमले के खिलाफ सख्त तदीबी कार्रवाई की जाएगी